जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीवीआर पे, टाटा मोटर और एफल इंडिया पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा आपको अर्न करके दे सकता है। कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, क्यों हमें बाई करना चाहिए, इसके पीछे की रीजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वन बाई वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पीवीआर के बारे में। देखिए, मैंने पीवीआर पे छः दिन पहले हमने इस पे दिया था कि पीवीआर को हमें बाई करके चलना चाहिए। मैंने सपोर्ट लेवल दिया था 1480 और टारगेट दिया था 1650। 1650 टारगेट प्राइस हिट हो चुका है, ठीक है, बट अब जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस है उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पीवीआर के चार्ट है, पीवीआर में आज देखा आपने 1670 रुपये को टच करके इसने फिर से वापस आ गया, ठीक है। बट इसमें आपको, मैं आपको बता दूं, ये जो आने वाला है 1745 1750 तक जा सकता है, जो इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है आने वाले 1 या 2 अक्टूबर में। उसके पीछे का हम रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों पीवीआर आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। देखिए, जिस तरह आपको पता है COVID-19 में जैसे जैसे सब कुछ खुल रहा है, उसी तरह पीवीआर भी ओपन होने जा रहा है, वो भी 1 अक्टूबर से पीवीआर ओपन हो जाएगा। डिपेंड करता है लोकेशन पे, ठीक है। मुंबई में 2023 को ओपन हो रहा है, बट वही बात करें गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर और अदर रीजन की बात करें, तो वहां पे आपका 28 सितंबर और 1 अक्टूबर से मोस्ट प्रोबेबली ओपन हो जाएगा पीवीआर। तो इसमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा 1745 के लिए, आप इसमें बाई कर सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कहीं आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी आपका क्या कहते हैं 1 से 2 महीने के लिए, तो नो डाउट 1900 रुपये तक आराम से जा सकता है। ये रही बात पीवीआर के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं एफल इंडिया। देखिए, एफल इंडिया के बारे में बात करें तो एफल इंडिया के लिए मैंने 1 या 2 वीक पहले ही एफएल इंडिया बता दिया, जब प्राइस ट्रेड कर रहा था आपका 4500-4700 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तभी हम मैंने अपने वीडियो के जरिए सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि एफएल इंडिया 6000 को टच कर सकता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि एफएल इंडिया 6000 को टच कर सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा कहाँ पे हमने कितने कितने दिन पहले दिया था एफएल इंडिया में एडवाइस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एफएल इंडिया मैंने दिया था 2 वीक पहले, जब अनाउंसमेंट हुआ था कि एफएल इंडिया स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:5, मतलब एक स्टॉक आपका 5 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो तब उस समय आपका जो चल रहा था 49 के लमसम चल रहा था, 49-48 के लमसम चल रहा था, 47 के आसपास चल रहा, 49-47 के आसपास था, इसके बीच में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब वही हम बात करें चार्ट की बात करें, तो देखिए चार्ट में आप देखेंगे तो चार्ट में आपका जो आज सपोर्ट लेवल से टकरा के फिर वापस आ गया था, बट इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ 5600 के लिए होना चाहिए, कि 5600 को ब्रेक करता है तो 5800 का होगा, फिर उसके बाद 6000 में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम अधिक होता है। और आपका पता है कब इसमें स्प्लिट होने वाला है, उसका रिकॉर्ड डेट जो है 7 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट है, तो 7 अक्टूबर से पहले पहले आप देखेंगे 6000 को टच कर सकता है। ये मेरा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो भी आप समझ लो, क्योंकि मैंने एफएल इंडिया को बहुत अच्छे से करीब से समझा है, क्योंकि मैंने इसमें कई बार ट्रेड किया है, तो मुझे ये चीजें पता है, ठीक है। ये रही बात एफएल इंडिया के लिए। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर के बारे में। देखिए, टाटा मोटर में एक जबरदस्त दिलचस्पी ये है कि बुल इंडिया के जो बुल के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुंझुनवाला जी ने कमिट किया है कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। वो भी उन्होंने फ्राइडे के इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, ठीक है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, उसके पीछे जगह जो रीजन है, भी देखिए आज लेटेस्ट न्यूज आया है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 170 करोड़ रुपए मेड कर लिया, वो भी किससे कर लिया, टाटा मोटर से। देखिए क्या है कि इन्होंने जो एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई जो इस समय जो अच्छा खासा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी इंडिया में, वो टाटा मोटर कर रही है। उन्होंने 10,000+ इस क्वार्टर में लॉन्च कर दिया है, और इस दीपावली के आसपास इन्होंने बेचने का टारगेट है, मतलब सेल आउट करने का टारगेट है,
ये राकेश झुनझुनवाले जी ने बोला था, इसलिए इन्होंने इसमें अच्छा खासा माल उठा के बैठे हुए हैं। तो आज इन्होंने अच्छा खासा पैसा अर्न किया, 170 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये रही इसके पीछे टाटा मोटर के पीछे की कहानी। और ऐसे ऐसे कि आपको पता है कि दीपावली और दशहरा आ चुका है, और दीपावली दशहरा में आपको पता है मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ परचेस करते ही हैं। तो आने वाले टाइम में मतलब कि टाटा मोटर या कोई भी ऑटो स्टॉक है उसमें अच्छा खासा आग लगेगी, बट जो फोकस पे होगा टाटा मोटर्स होगा। तो देखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स में आप देखेंगे 333 रुपये का हाई लगाने के बाद टाटा मोटर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई 1-2 रुपए का। फिर उसके बाद अच्छा खासा बाइंग रहा इसमें, अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज भी है इसमें। जो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है इसमें 30% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज उठाया गया है। तो मतलब आने वाले टाइम में धमाका होने वाला है, आपको ये समझ के चलना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा चार्ट की। ठीक है, आप ये जो कल का टारगेट देखिए, जो टाटा मोटर चलता है 4% 5% मैक्सिमम 7 से 8% जाता है, ठीक है, एक दिन में। तो देखिए हर स्टॉक का अपनी चाल होती है, जो टाटा मोटर की चाल है वो 7 से 8% और मिनिमम 4% तो जाता ही जाता है। कहीं एक कल गया तो ये आपका 345 तक कल जा सकता है, कहीं 340 का ये थोड़ा सा 345 के आसपास ये जा सकता है। कहीं इसको भी क्रॉस किया तो ये 350 क्रॉस करने के बाद ये 360 चला जाएगा। तो इसमें आपको बना के रखना चाहिए, कहीं ट्रेड भी करेंगे तो आपको अच्छा खासा 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया आराम से एक दिन में मिल जाएगा, कहीं आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, तो इस पे आपको नजर बना के रखना चाहिए। ये तीन स्टॉक पीवीआर, टाटा मोटर और एफएल इंडिया में आने वाले टाइम में अच्छा खासा धमाका होगा, और बने रही है इस तीनों शेयर्स में। कहीं आपके पास है, नहीं है तो इस तीनों शेयर्स में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। नो डाउट तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।